हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लाइन किलो। आज मैं आप लोग के साथ में वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रेगनेंसी में कि बहुत ज़्यादा नींद आना, बहुत ज़्यादा सुस्ती लगना, आलस छा जाना, इसके क्या रीज़न होते हैं, क्यों होता है आखिर आपके साथ में ऐसा, और ऐसा आपके साथ में ना हो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। रिलेट करता है क्वेश्चन कि अगर आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है, बहुत ज़्यादा आलस है, आप सोए रहते हैं, आपका कोई काम करने का मन नहीं करता, तो हो सकता है कि आपको बेबी गर्ल होने वाली है। क्या ये रियली होता है, वर्क करता है ये सिम्टम? क्या सचमुच में जिनकी बेबी गर्ल्स होती हैं या होने वाली होती हैं उनके साथ ये सिम्टम होता है? वजह से बेबी गर्ल की होने की वजह से ही वो ऐसे सुस्ती, आलस या चिड़चिड़ापन या बहुत ज़्यादा नींद आना, ये सारे कारण होते हैं। क्या होता है अपना एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले, अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में ही बेल आइकन होगा उसे ज़रूर से हिट करिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको तभी मिलेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके सबसे पहले कारण क्या होते हैं। तो देखिए, प्रेगनेंसी में इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है बहुत ही ज़्यादा हार्मोन चेंजेस, ठीक है, जिसकी वजह से ये होता है हर वुमेन के अंदर। किसी को थोड़ा कम समझ में आता है कि ज़्यादा ये चीज़ें होती हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि हो सकता है कि अगर आपकी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा अगर कमज़ोर है, मैच्योर नहीं थे, अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस रही हो, है ना, या फिर कोई आपके साथ में प्रॉब्लम हो और प्रेगनेंसी आपकी हो गई, तो इस वजह से भी ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अगर आपके अंदर हीमोग्लोबिन वगैरह की कमी है, मतलब आपकी बॉडी में अगर किसी तरीके की कोई चीज़ की कमी है, प्रेगनेंसी अभी करने का राइट टाइम नहीं था आपके लिए, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ में कंटिन्यू हो सकती है। और ये ज़्यादातर होता है फर्स्ट के 3 मंथ्स में, ठीक है। ये इसलिए होता है क्योंकि उस दौरान पे आपको मॉर्निंग सिकनेस, वॉमिटिंग जिसे कहा जाता है, वॉमिटिंग वगैरह, खाना ना खाना, बहुत ज़्यादा आलस इसी वजह से आता है क्योंकि आपकी बॉडी में उतनी एनर्जी नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से आपको सुस्ती, नींद और बहुत ही ज़्यादा आपको ऐसा लगता है चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग्स इन टाइम पर बहुत ज़्यादा होता है। किसी किसी को पूरी प्रेगनेंसी ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता है कि अगर आपके साथ में ये सारी चीजें हैं तो आपको बेबी गर्ल ही होगी। लोगों को बेबी बॉय भी हुआ है, पूरी प्रेगनेंसी काम नहीं करने का मन करता है, चिड़चिड़ापन रहता है, बहुत ही ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं और बहुत ज़्यादा आलस आता है, उसके बावजूद भी बेबी बॉय हो जाता है। ये कहना है कि अगर आपके साथ में ये सारे सिम्टम हैं और आपको बेबी गर्ल ही होगी, तो ये बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। मेरी दोनों प्रेगनेंसी के टाइम पर, मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरे को दोनों टाइम पर ही ऑपोजिट साइन थे। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी, लेकिन सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम पे मुझे इशू था कि मुझे नींद बहुत ज़्यादा आती थी। क्यों, मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपकी बॉडी में किसी न किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है या किसी भी कारण से कोई दिक्कत परेशानी है, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। हाँ, ये सिम्टम्स फिर प्रेगनेंसी के दौरान पर बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, फिर लोगों का ये कहना हो जाता है कि हाँ बेबी बॉय या बेबी गर्ल, ठीक है। तो ये चीज़ मैं यहाँ पर ही, मेरे साथ तो बिल्कुल वर्क नहीं किया, तो हो सकता है कि आपके साथ में वर्क कर जाए, आपके ऐसे सिम्टम हैं और आपको बेबी गर्ल या बेबी बॉय जो भी आपके आसपास में लोग कहते हैं वो आपको हो जाए, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि लोगों के कहने से वो सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि जो होना होता है वो तो होकर ही रहता है। और जो इसका मेजर कारण था वो मैंने आपको बता ही दिया, होती हैं कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ बॉडी में दिक्कत होती है या कुछ चीज़ें हमारी बॉडी जो होती है वो सहन नहीं कर पाती, जिस वजह से हमें आलस आता है, हमें काम न करने का मन करता है, ऐसा लगता है कि हम बेड पे ही रहे। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, ये बिल्कुल भी बेबी जेंडर के साथ में रिलेट नहीं करता है। कई बार वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं, उसके बावजूद भी उन्हें बेबी बॉय हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है तो भी उन्हें बेबी बॉय हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जस्ट एक सोच है, जस्ट एक अपने मन का जो कहते हैं, एक वुमेन के अंदर हमने ये सारी चीज़ें देखी, उसके बाद उनकी डिलीवरी हुई, उन्हें बेबी गर्ल या बेबी बॉय जो भी हुआ वो देख के हमने एक अंदाज़ा लगा लिया, ठीक है। तो ये कहीं पे भी साइंटिफिकली प्रूव नहीं है कि अगर आपको ये सारी चीज़ें हैं तो आपको बेबी गर्ल और बेबी बॉय होना ही है। बाकी बहुत सारे लोग के साथ में होता है, देखिए मानने को हम बहुत सारी चीज़ें मानते हैं, नहीं मानने के लिए कुछ भी नहीं मानते। तो अपनी अपनी धारणा है, अपना अपना विश्वास है और अपने अपने अंदर का जो होता है ना, एक सिक्स सेंस होता है जो कि गट फीलिंग जिसे कहा जाता है। अगर आपको गट फीलिंग है कि आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये होने वाला है, तो वो चीज़ होती है, ये मैं मानती हूँ।
तो आपके साथ कितना रॉन्ग और राइट होता है ये आप डिसाइड कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं ऐसा आपके साथ में ना हो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा आलस आता है, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा फील होता है कि आप कोई काम ना करो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि घर में कोई फैमिली फंक्शन है या कुछ ओकेशन ऐसा आ गया है तो उस टाइम पर भी हमारा मन नहीं करता है, या कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जिसकी वजह से हमें एक्टिव रहना पड़ेगा ना चाहते हुए भी, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो उस दौरान पर आपको क्या करना है, तो उस दौरान पर आपको बहुत ही ज़्यादा नींबू पानी वगैरह, जैसे गर्मी का सीज़न है तो मैं बात कर रही हूँ कि नींबू पानी वगैरह आप पी सकते हैं, या नारियल पानी, ये गर्मी और सर्दी दोनों में ही पी सकते हैं नारियल का पानी। तो ऐसी चीज़ें खाएं जो आपको एनर्जी दे, ठीक है। खाना पीना जो है वो प्रॉपर तरीके से करें, हालांकि आपसे नहीं होगा अगर फर्स्ट के 3 मंथ्स आपके चल रहे हैं तो बहुत कम होता है ये सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी आपको कोशिश करनी है। जूस वगैरह इनटेक करिए, ना हो सके आप ग्रीन वेजेस का इनटेक करिए, सूप के जरिए हो या फिर ऐसे भी हो, जैसे आपको जिस तरीके से वो अच्छा लगता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में हर एक का टेस्ट चेंज होता है, तो जिस तरीके से आपको सूटेबल लगता है, अच्छा लगता है, जिस तरीके से आपको इजी होता है बनाना, आप उस तरीके से बना के ग्रीन वेजेस जितना आप लोगे वो आपको एनर्जी बहुत ज़्यादा देगा। अगर आप चाहते हैं और भी ज़्यादा एनर्जी के लिए तो आप बहुत ही ज़्यादा मिल्क वगैरह इनटेक करिए, ठीक है। मिल्क वगैरह आप जितना पियोगे वो आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा, वो आपको खराबी नुकसान बिल्कुल भी नहीं करता। या शाम के टाइम पर वो थोड़ा सा 30 मिनट्स अपने लिए निकालिए और थोड़ा सा आप चलने की कोशिश करिए, वॉकिंग करिए, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि जब आप इस वॉकिंग करोगे चलोगे तो वो आपको एक नॉर्मल डिलीवरी में भी हेल्प करेगा, और सेकंड चीज़ आपका माइंड फ्रेश रहेगा, आपको अच्छा फील होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हो, और जितना हो सके हेल्दी चीज़ें जब आप खाओगे तो आपकी एनर्जी मिलेगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी कुछ रह रहा हो तो आप ज़रूर से मेरे को कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ बैक टू बैक बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं बेबी जेंडर को लेकर, जो कि आपके डाउट्स को क्लियर करेगा। तो बने हुए रहिए और कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आपको सारी आपकी क्वेरीज के आंसर यहीं पे मिलेंगे, और ज़रूर से बेल आइकन को हिट करिएगा। तो आई होप कि ऐसी वीडियो आप लोग को ज़रूर से हेल्प करेगी। तो टेक केयर गाइस, अपना ख्याल रखिए।